हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे बहुत ही स्वीट यमी मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। तो हर किसी को ये लड्डू पसंद आता है, स्पेशली बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। बहुत ही इजी मेथड से आज हम देखेंगे कि इस तरीके से इसे बनाना है, और इसके लिए स्पेशल झारा की भी जरूरत नहीं है। हमें इसके लिए जीरो साइज की झारा लगता है, बिना झारा के हम इसे बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है, इसी कप से मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट, देन हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से बूंदी फूलने के लिए आप यहाँ मीठा सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, तो मैंने यहाँ नहीं डाली। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है, तभी तो ये बैटर बहुत ही हल्का होगा और बूंदी भी अच्छी तरह से फूलेगी। तो इसीलिए तो जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने 1 कप पानी यहाँ लिया है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कितना पानी लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी मिक्स करना है। जितना आप इस बैटर को फेटेंगे अच्छी तरह से उतनी अच्छी बूंदी बनेगी। तो इसे याद रखिए, अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है, और इसी तरह का हैंड विस्कर हमें लेना है, और उसी से बहुत ही बढ़िया तरीके से बैटर बन जाता है। तो आप भी इसी से करिए, बहुत जल्दी और अच्छा बैटर बन के रेडी होता है। ऑलमोस्ट बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर। तो मैं यहाँ थोड़ा सा येलो कलर डाल रही हूँ, और देन मैं इसमें रेड कलर डालूंगी। येलो एंड रेड मिक्स करके बहुत ही बढ़िया कलर आता है, परफेक्ट मोतीचूर लड्डू जैसा कलर आता है। इसे आप एक ही बार में ज़्यादा कलर मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालकर देखिए किस तरीके का बनता है। तो अभी ये परफेक्ट बन चुका है बैटर और कलर भी। मेरे पास 0 साइज़ का झारा नहीं है, इसी तरीके का है। बूंदी के लड्डू हम बनाते हैं उसी साइज़ का झारा है मेरे पास, और इसी से मैं करने वाली हूँ। तो हमें इस झारा में डालकर बैटर देखना है, इसी तरीके से बूंदी गिरती है तो बैटर परफेक्ट बना है, समझ लेना। तो इस बैटर को बनाने के लिए 3/4 कप पानी का यूज़ हुआ है। तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी सेम इसी तरीके की रहनी चाहिए। देखिए बहुत ही लूज बैटर हमें इसके लिए बनाना है, तो ये परफेक्ट है। तो इसके लिए मैंने यह सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है, और ऑयल गर्म हुआ है। अब हम बूंदी बनाएंगे, इसी तरीके से हमें बूंदी बनानी है। देखिए ये नीचे जल्दी से गिरना चाहिए, आप एक ही बार में ज़्यादा बूंदी मत डालिए ऑयल में, तो ये आपस में चिपक जाएगी और अच्छी तरह से बूंदी नहीं बनेगी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ा करके ही हमें बैटर इसमें डालना है, और इस बूंदी को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो जल्दी फ्राई हो जाती है। बूंदी भी बहुत ही बढ़िया बनी है, देख ही सकते हैं गोल गोल बनी है। लेकिन इसके लिए स्पेशल 0 साइज़ का झारा लगता है। अगर आपके पास झारा नहीं है तो उसके बिना भी हम मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो अभी मैं आगे आपको दिखा ही दूँगी किस तरीके से बनाने हैं। बूंदी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और मैंने इसे निकाल दिया है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ किस तरीके से दिखती है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बूंदी बन चुकी है। तो इसी तरीके से हम सारी बूंदी बना लेंगे। बहुत जल्दी मोतीचूर के लड्डू बनके रेडी होते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जल्दी से मैं सारी बूंदी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, और इसमें मैं 1 कप शुगर डाल रही हूँ। हमने जितना बेसन लिया है उतना ही शुगर हमें इसके लिए चाहिए। तो मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसका शुगर सिर्फ हमें एक तार का नहीं बनाना, सिंपल से हमें इस शुगर को मेल्ट करना है, और जब शुगर पूरी तरह से मेल्ट होगी तब वाइट कलर का जाक आता है ऊपर। और मोतीचूर लड्डू के लिए स्पेशली किसी भी तरह का शुगर सिरप नहीं बनता, सिंपल से शुगर को मेल्ट करने के बाद इसमें हम बूंदी डालते हैं। इसी स्टेज पर हमें इसमें कलर ऐड करना है। मैंने यहाँ येलो कलर और रेड कलर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है, और
बहुत ही बढ़िया कलर बन जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन बनके। और हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और ये शुगर सिरप बन चुका है। तो इसी तरीके से बूंदी बनके रेडी है। हम हाथों से थोड़ा सा स्मैश करेंगे और फिर हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा सा पीसेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पीसना है हमें, जो हमने बूंदी बनाई है वो हमें फोड़नी है सिर्फ, इसका चूरा नहीं बनाना हमें। देखिए इसी तरीके से करना है हमें। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, सारी बूंदी इसी तरीके से मिक्सी में चला कर लेती हूँ। तो देखिए सारी बूंदी को मैंने मिक्सी में पीसा है, इसी तरीके का हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनानी। और इस जैसे कि हम मोतीचूर के लड्डू के लिए बूंदी बनाते हैं उसी तरीके का दिखता है देखने पर, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है और बहुत ही ईजी बन जाता है। और फिर हमने जो शुगर सिरप बनाया था वो गरम करेंगे और इसमें हम हाफ स्पून कार्डमम पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे। और शुगर सिरप अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब गैस की फ्लेम मैंने स्लो रखी है और इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे बूंदी, और सभी बूंदी को हमें इसी तरीके से इसमें डालना है। स्लो गैस की फ्लेम पे हमें इसे थोड़ी देर पकाना है। देखिए इसी तरीके से करीब 5 मिनट तक मैंने इसे गैस पर रखा था। थोड़ी देर में ये ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद ही हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। और इसी तरह लगातार चलाते ही रहना है हमें इसे। तो अभी ये ठीक हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ इसे प्लेट में निकाल कर रखा है और ठंडा होने के बाद ही हम आधे घंटे के बाद इससे लड्डू बनाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं। और इसी टाइम हम इसमें 1 स्पून घी ऐड करेंगे। तो आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ा था और फिर मैं इसमें 1 स्पून घी डालकर इसे लड्डू बनाऊंगी। घी डालने से क्या होता है कि लड्डू में शाइन आती है और टेस्ट भी बढ़ जाती है लड्डू की। और बहुत आसान से हम इससे लड्डू बना सकते हैं, हर कोई इसे लड्डू बना सकता है, इतना सॉफ्ट रहता है ये। तो अच्छी तरह से मिक्स करके हम फट से इसके लड्डू बनाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमें स्मॉल बॉल लेना है हाथों में और घुमाते हुए इसका राउंड बनाना है। बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं लड्डू और शाइन भी रहती है बढ़िया। आप कितने भी दिन स्टोर करके रखिए इसी तरीके से ये रहते हैं, यही खासियत है मोतीचूर लड्डू की। तो हमारे घर में हमेशा इस तरीके के लड्डू बनते हैं। देखिए कितना प्यारा लड्डू बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि बच्चों को स्पेशली बूंदी से ज़्यादा मोतीचूर लड्डू ही पसंद है, तो मैं हमेशा बनाती हूँ इसको। तो सारे लड्डू मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। और अगर आपको लड्डू बनाना नहीं आता, आप इसे सीखना चाहते हैं बूंदी के लड्डू को, तो पहले आप मोतीचूर लड्डू बनाना सीखिए, देन आप बूंदी के लड्डू बनाइए। तो बहुत ही आसान हो जाता है इससे, क्योंकि जब मोतीचूर लड्डू हम बनाएंगे तो वो फेल नहीं होते, परफेक्ट बन जाते। हर कोई पहली बार में ही मोतीचूर के लड्डू बढ़िया बना सकते हैं, तो इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हमने मोतीचूर के लड्डू इतने बढ़िया बनाए हैं तो बूंदी के भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले आप मोतीचूर के लड्डू बनाए, देन बूंदी के लड्डू बनाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे क्यूट बूंदी के लड्डू बन के रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्क।